हेलो एवरीवन, वेलकम टू एटीपी स्टार लर्निंग प्लेटफॉर्म। गाइस, एटीपी स्टार लर्निंग प्लेटफॉर्म में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। सो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं फिजिकल केमिस्ट्री के बारे में कि फिजिकल केमिस्ट्री अगर आपकी कमजोर है तो उसको अपनी ताकत कैसे बना सकते हो, आप लोग क्या करो ऐसा कि जो अगर आपकी वीकनेस है तो उसको अपनी शक्ति हम कैसे बनाएं। गाइस, तो इस वीडियो को एंड तक आप जरूर देखें और अगर ये आपको पसंद आए, वैसे तो उससे पहले भी कर सकते हो, हिट द लाइक बटन फॉर श्योर। ओके डियर स्टूडेंट्स, सो गाइस, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं आपको अगेन थैंक यू बोलना चाहता हूं गाइस फॉर मेकिंग एटीपी स्टार अ ह्यूज सक्सेस। गाइस, जिनने भी अब तक एटीपी स्टार को डाउनलोड नहीं किया गाइस, अभी प्ले स्टोर से, अभी गूगल प्ले स्टोर से उसे डाउनलोड करें। एंड गाइस, जिनने डाउनलोड किया है, प्लीज इट्स अ रिक्वेस्ट, आप उसको जरूर रिव्यू करें, थोड़ा सा टाइम हमारे लिए भी निकालें, इतना तो कर सकते हो घर वाले लोगों, ठीक है ना, क्योंकि एक एक रिव्यू आपका बहुत मैटर करता है गाइस, ठीक है ना, एक एक रिव्यू बहुत मैटर करता है। सो डियर स्टूडेंट्स, प्लीज ये जरूर कर लेना, है ना। नाउ देखिए, फिजिकल केमिस्ट्री में सबसे पहले अगर मैं बात कहूं तो कोई भी कंसेप्ट आप अंडरस्टैंड करते हो, जैसे यू नो फिजिकल केमिस्ट्री एक तरह से फिजिक्स की तरह ही है, अपने को यू नो कंसेप्ट्स को फील करना है, रियल लाइफ से रिलेट करना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में, एटॉमिक स्ट्रक्चर इज ऑल अबाउट द एटम्स। एटम्स कहाँ है? एटम्स यार, पूरी दुनिया सब कुछ, सारा मैटर जो बना है वो किससे बना है? एटम से बना है यार, ध्यान से देखो आप, एवरीथिंग यू नो, आवर हैंड्स, फेस, ये जो पूरा मैटर है सब जगह एटम्स हैं। अब उनकी प्रॉपर्टीज, वो एटम कैसे बना, क्या हुआ, यानी पूरा साइंस हमारे आसपास है, हम खुद साइंस के प्रोडक्ट हैं, समझ रहे हो आप सभी। तो अपन फील कर सकते हैं एटम की एक एक चीज को, एक एक फंडे को, जैसे हाइजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है। कई सोचते हैं सर पहले हमने इतने सारे मॉडल पढ़े, थॉमसन मॉडल पढ़ लिया, रदरफोर्ड पढ़ लिया, बोर पढ़ लिया, फिर श्रोडिंगर वेव इक्वेशन पे आए, हम सीधा फाइनल क्यों नहीं पढ़ लेते? अरे ठुल्लू नंबर वन, अगर हम सीधा फाइनल समझेंगे, फाइनल पढ़ेंगे, तो हमें समझ में नहीं आएगा कि वहां तक हम पहुंचे कैसे, पहले क्या था। यानी हिस्टोरिकली पुरानी वाली चीजें हमें जाननी जरूरी है कि पहले थॉमसन ने ये सोचा था लेकिन इसमें ये गड़बड़ मिली, तो रदरफोर्ड ने फिर ये बताया, फिर उसमें ये गड़बड़ मिली, तो आगे बोर ने और इसको डेवलप किया। तो यानी हिस्टोरिकली वो चीज जानना बहुत बहुत जरूरी होता है, समझ रहे हो सभी। तो इसीलिए नेगेटिव ना सोच के साइंस को इंटरेस्ट से पढ़ोगे तो मजा आएगा। देखो, इंटरेस्ट अगर होगा तभी मार्क्स आएंगे, याद रखना। विदाउट इंटरेस्ट अगर आप कब तक पढ़ पाओगे, आप उतना ज्यादा मेहनत नहीं कर पाओगे, यू नो। तो यानी आपको हर चीज रियल लाइफ से रिलेट करनी है। जैसे कि हम पढ़ते हैं आइडियल गैस, रियल गैस, आप रटो मत कि रियल गैस क्या है। अरे रियल गैस वो गैस है जो अपने आसपास है, दैट इज द रियल गैस। वो डिफरेंस क्या आया? आइडियल गैस इक्वेशन जैसे पीवी इज इक्वल टू एनआरटी है, इसमें जो चेंजेस आए हैं, वो क्यों आए हैं रियल गैस में, वो आप फील करो। उसके अलावा थर्मोडायनेमिक्स की बात करें, काफी स्टूडेंट घबराते हैं थर्मोडायनेमिक्स से। यार थर्मोडायनेमिक्स में जैसे फॉर एग्जांपल एफएलओटी है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है सीधा, यार वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का प्रिंसिपल है। क्या है वो? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का प्रिंसिपल है। सेकंड लॉ की बात करें तो वो किसके बारे में बात करता है? एंट्रोपी चेंज के बारे में तो बात करता है, उसके अलावा रिएक्शन फिजिबल है या नहीं उसके बारे में बात करता है, उसके अलावा केमिकल काइनेटिक्स किस चीज से डील करता है, वो रेट ऑफ रिएक्शन से डील करता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल दही आपने बनाई, ठीक है ना, दही मान लो मतलब किसी ने बनाई, तो वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ही सही बन पाती है, समझ रहे हो ना। तो घरों में रेगुलरली यूज होता है, अगर हम उसको प्रिजर्व रखना चाहते हैं, यानी काफी टाइम यूज करना चाहते हैं, तो उसको फ्रिज का यूज क्या है, टेम्परेचर लो रख के क्या करना, फूड को प्रिजर्व रखना। यानी रिएक्शन का रेट टेम्परेचर पे कैसे यू नो डिपेंड करता है, ये सारा का सारा काइनेटिक्स से पता लगता है। यानी ये जो फिजिकल केमिस्ट्री है वो किस चीज से डील करती है गाइस, जो भी अपने प्रोसेसेस हो रहे हैं उन प्रोसेसेस में केमिस्ट्री कहां इन्वॉल्व है उसके बारे में बताता है गाइस, उन सब चीजों के बारे में हमें ये बताता है। तो आप सबसे पहले एक काम तो ये करो, अगर आपका ये वीक है, आप रियल लाइफ प्रोसेसेस जो होते हैं एक बार उनको फील करो, तब आप साइंस को अप्रिशिएट कर पाओगे कि यार कैसे कैसे चीजें वेरी हो जाती हैं, समझ रहे हो ना, कैसे कैसे कोई रिएक्शन हो जाती है, कौन सा मेटेरियल किसमें कन्वर्ट हो रहा है, कौन सी चीज दूसरे मैटर में कन्वर्ट नहीं हो रही है, कितनी स्पीड से हो रही है। गॉट इट गाइस? तो ये करना बहुत बहुत जरूरी है। अब उसके बाद अगली बात, नाउ क्वेश्चंस मेनली न्यूमेरिकल्स होते हैं, तो देखो स्टार्ट हमेशा करो इजी क्वेश्चन से, इजी से बिल्कुल स्टार्ट करो। कई बार क्या होता है, हम इजी क्वेश्चन कम करके सीधा जंप ऑन कर देते हैं, दिक्कत आ जाती है, ठीक है ना। पहले आप बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन, जैसे कि मान लो आपने गैस लॉ पढ़ रहे हो, गैसियस स्टेट पढ़ रहे हो, तो पहले बेसिक चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ, उसके अलावा अपना कौन सा हो गया ये आइडियल गैस इक्वेशन, इसके एप्लीकेशन को पढ़ो ढंग से यार, इसके एप्लीकेशन को पढ़ो, सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन करो काफी सारे। Once you become highly comfortable, बड़े comfortable हो गए, उसके बाद आगे बढ़ोगे ना, उसके बाद आगे बढ़ोगे, समझ गए आप सभी।
अच्छा एक ध्यान रखना कि जैसे एटीपी जो हमारी एटीपी स्टार ऐप है उसके अंदर वीडियोस के नीचे क्वेश्चन बैंक भी होते हैं, डीपी भी अभी अपलोड होनी बाकी है, तो क्वेश्चन बैंक जो बेसिक लेवल का क्वेश्चन बैंक है वो भी बहुत अच्छी चीज है प्रैक्टिस करने के लिए, समझ रहे हो ना। प्रैक्टिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट इज अ वेरी गुड वे टू प्रैक्टिस। उसके अलावा जो अनलिमिटेड प्रैक्टिस है जिसके अंदर अभी क्वेश्चन हम डाल रहे हैं, ठीक है ना, तो उस अनलिमिटेड प्रैक्टिस टेस्ट का भी आप यूज कर सकते हो गाइज अच्छी प्रैक्टिस करने के लिए। ओके डियर स्टूडेंट्स, ओके नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात इज एप्लीकेशन के बाद ध्यान रखो नॉर्मली गलती कहां होती है, कैलकुलेशन में गलती करते हैं स्टूडेंट, कैलकुलेटर का यूज करेंगे। यार कैलकुलेटर का यूज त्याग दो, दिमाग का यूज करो, समझ रहे हो ना। और सबसे बड़ी बात, फॉर्मूला किसी को भी अगर याद करते हो आप, कोई भी फॉर्मूला है तो उसमें यूनिट्स का ध्यान रखना बहुत बहुत जरूरी है यार, कि भाई अगर हमने प्रेशर ये लिया वॉल्यूम ये लिया तो आर की वैल्यू क्या होगी, समझ रहे हो ना। काफी स्टूडेंट्स इन यूनिट से परेशान होते, क्यों परेशान होते, प्रैक्टिस नहीं की होती यार, प्रैक्टिस कर लो ना पहले, सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन की तो प्रैक्टिस करो, पता लगे नॉर्मल क्वेश्चन आया फॉर्मूला बेस्ड लेकिन कैलकुलेशन में आपकी वाट लग गई, तो वो गलतियों को सुधारो गाइस, और प्रैक्टिस इज द बेस्ट वे टू डू इट। उसके अलावा कैलकुलेशन की ट्रिक्स भी होती है, आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन दैट कि किस तरीके से हम कैलकुलेशंस को आसान कर सकते हैं अप्रोक्सीमेशन मेथड से या लास्ट में वैल्यूज को पुट करके, वी कैन मेक द कैलकुलेशन वेरी वेरी इजी, समझ रहे हो ना। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें प्लैंक्स कांस्टेंट, तो 6.634 की बजाय आप क्या यूज कर सकते हो, 20/3 यूज कर सकते हो, उससे चीजें बहुत बहुत आसान हो सकती हैं, समझ रहे हो ना। इस तरह से अप्रोक्सीमेशन बहुत वर्क करता है यार, तो हर चीज का जुगाड़ होता है। याद रखना कोई भी चीज आपकी कमजोर है, कोई भी चीज अगर आपकी कमजोर है इसका मतलब क्या है, आपने उसमें समय कम दिया है, समय कम दिया है, वो चीज कमजोर की कमजोर रहेगी, वो डर बढ़ता रहेगा और आप उस लूप में फंस जाएंगे, नेगेटिव लूप में, यानी वो चीज और खराब होती जाएगी। तो आपको उस लूप को तोड़ना है, आपको समय ज्यादा देना है। तो अगर आपकी कोई भी चीज खराब है उसको इंप्रूव करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एफर्ट देने पड़ेंगे, टाइम लगाना पड़ेगा, रिजल्ट गारंटीड आएगा यार। सही डायरेक्शन में फोर्स लगती है तो वर्क डन जरूर होता है गाइज, समझ रहे हो ना। अगर सही डायरेक्शन में फोर्स लगाई जा रही है तो वर्क डन जरूर होता है, काम जरूर होता है गाइज। सही डायरेक्शन, वही मेरा काम है, वही मैं कर रहा हूं, सही डायरेक्शन में आपको मैं लेके जा रहा हूं। ओके गाइज, तो उसके अलावा जैसे कि मैंने बताया प्रैक्टिस, कैलकुलेशंस, कंसेप्ट को फील करना, स्टार्ट विद द इजी क्वेश्चन और फिर लेवल अपने आप इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा, आपका मन करेगा यार मैं और अच्छे क्वेश्चंस करूं। जितने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करोगे कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता रहेगा और बस फाइनली बस मजा आ जाएगा और फिजिकल केमिस्ट्री भी आपका बहुत बहुत अच्छा हो जाएगा। ओके गाइज, सो गाइज आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, काफी हेल्पफुल रहा होगा, प्लीज इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। और अब तक आपने एटीपी को सब्सक्राइब अगर नहीं किया गाइज तो मेक श्योर कि आप अभी के अभी जो रेड बटन है उसको दबाएं। ओके डियर स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।